अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये वो ट्रेंड है जो पूरे सोशल मीडिया के ऐप्स के ऊपर छाया हुआ है, टॉप ट्रेंड बन चुका है और इस टॉप ट्रेंड ने पूरे पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े लोगों की नींदें हराम कर दी है। वो लोग जो ये समझते थे कि इमरान खान जेल जाने के बाद गैर मकबूल हो जाएगा, आवाम उसको भूल जाएगी, इस ट्रेंड ने उन लोगों की नींदें उड़ा दी है। यकीन माने इमरान खान साहब जेल जाने के बाद और ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं और कैदी नंबर 804 उसका पक्का नाम पड़ चुका है। इस ट्रेंड को देखने के बाद यही मालूम होता है कि पाकिस्तान की आवाम आज भी इमरान खान का इंतज़ार कर रही है। उनको मालूम है कि ये उनका वो लीडर है जो इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकता है, जो मुल्क को इस महंगाई के दलदल से निकाल सकता है, जो मुल्क के अंदर तमाम लोगों को जोड़ने का एक जरिया था, उनको इन्होंने निकाल दिया है। दूसरी तरफ G20 में शिरकत करने के लिए तमाम मुसलमान ममालिक भारत पहुंच चुके हैं और वहां पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े माहदों पर दस्तखत किए, जिसके बाद पाकिस्तान इस खत्े में मजीद तन्हाई का शिकार हो चुका है। और इसकी बड़ी वजह यही है कि इस मुल्क में ना कानून है और ना आइन है और ना इस मुल्क में कोई हुकूमत है जो आवाम की नुमाइंदगी करे। इस मुल्क में जंगल का कानून है, इस मुल्क में ना इंसाफ है। इस मुल्क का 80% मकबूल लीडर जेल के अंदर है, ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा, इस मुल्क के साथ कोई कैसे कारोबार करेगा, यही वो बातें हैं जो हम बार बार इन ताकतवर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।